नमस्कार, मैं अंशु रंजन। ये कोलकाता का गायघाट विधानसभा है और लोकसभा बांगा पड़ता है, लेकिन ये इसे कहा जाता है कि ये ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी जो है ये मतुआ का गढ़ है। तो चलिए हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, आखिर वो लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पत्ती खेल रहे हैं, उसको कहा जाए कि ताश खेला, जो दीदी बोल रही है खेला हो, तो यहाँ लोग कुछ खेला भी कर रहे हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। दादा, क्या नाम आपने? गोपाल मंडल। जो ये ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी जिसको बोला जाता है, ये मतुआ का गढ़ है, तो क्या लगता है आपको इस बार यहाँ जो मतुआ समुदाय है वो किधर जाएगा? देखिए, मतुआ समुदाय में पहले दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक ज़्यादातर हिस्सा था अपना बीजेपी की तरफ और थोड़ा सा हिस्सा था ममता दीदी की तरफ। ममता बाला ठाकुर जो है ममता दीदी की तरफ था, शांतनु ठाकुर जो है बीजेपी की तरफ था। बीजेपी तरफ से उन्होंने अभी एमपी भी हुआ है और अपना ममता बाला ठाकुर जो है वो हार भी गया है दीदी की तरफ से। लेकिन अभी इधर का आदमी का सबका मन में एक कोहड़ा जैसा भाव चल रहा है। कोहड़ा समझते हैं ना, बांग्ला में जिसको कुमड़ा बोलता है। ये कोहड़ा का क्या है, ऊपर में थोड़ा हरा कलर दिखता है और अंदर में भगवा कलर दिखता है। स्टेट में जब तक अभी दीदी का राज चल रहे हैं तो दीदी का राज में सब दिखा रहे हैं हम हरा हरा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में सबका भगवा भगवा है। तो मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि जय श्री राम, है ना? इसका तात्पर्य 100% जय श्री राम। लेकिन क्या है, कोई सामने बोल नहीं सकते। कोई सामने बोलेगा तो फिर भी उसको थोड़ा सा, हाँ आप इधर आइए बैठिए, कोई सामने बोलेगा तो उसको क्या है, थोड़ा दीदी का आदमी लोग जो है उसका रोष में पड़ सकता है, इसलिए कोई सीधा सीधा बोल नहीं रहे। लेकिन सबके मन में ऐसा है, कोहड़ा जैसा है, सबका मन में भगवा है, लेकिन दिखा रहे सब हम तृणमूल की तरफ है। दीदी बोलता है खेला हो गए, क्या खेला हो गए? खेला होने में दो टांग रखता है, दौड़ने के लिए टांग चाहिए। खेला होएगा तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा तो एक टांग नहीं है, तो कैसे दौड़ेगा? स्क्रैच में नहीं चल सकता है, तो गोल नहीं होएगा, गोल नहीं होएगा। आप तो खेला कर रहे हैं, चल रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या लगता है इस बार बंगाल में खेला होगा क्या? बंगाल में खेला तो होना जरूर होगा, लेकिन हम लोग जो खेलेंगे किसके साथ खेलेंगे? हमारा जो दीदी है, दीदी का तो टांग पहले से तोड़ गया, वो मैदान में उतर के कैसे खेलेगा? चलिए, इस बात पे एक सवाल है। दीदी आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर बीजेपी वालों ने हमला किया था जिसमें उनका टांग घायल हुआ, फ्रैक्चर हुआ। उसका तो एक साजिश है, और चुनाव से पहले तो ऐसा हरकत तो बहुत बार किया है। चुनाव से पहले ऐसे हरकत तो बहुत किया है, लेकिन अभी जो साजिश कर रहा है ना, जो साजिश कर रहा है ये ममता बनर्जी का एक चाल है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं। और हम तो देख रहे हैं हमारा ठाकुर नगर जो गायगढ़ वाट का जो गांव है, उस गांव में टीएमसी हमारा जो यहाँ पर प्रार्थी है नरोत्तम विश्वास, तो उसने तो गांव जाकर सारा ये हमारा जो वोटर है उसको खिला रहा है चिकन राइस। कौन, बीजेपी वाला या टीएमसी वाला? टीएमसी वाला। अच्छा, तो टीएमसी वाला हर गांव में घुस के इतना दिन खाया और अभी खिला रहे हैं, अरे इतना दिन खाया और अभी हमारा जो गांव में जो हमारा देश का नागरिक है उसके भूल भल कर रहा है उसके साथ खाना देकर। और जितना टीएमसी का दलाल है उस दलाल को तो बहुत बहुत पैसा देकर उसको जेब में लेकर कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक गांव है, हम ठाकुर नगर कठलतला बोलता है, उसमें एक पर्सनल मामला जो जमीन किया घर किया उसका एक रास्ता भी नहीं है। उस रास्ता पाने के लिए नरोत्तम के पास गया, नरोत्तम वहाँ पर 150 वोट होगा उसको 4.5 लाख रुपया से खरीद लिया, वो उसका रुपया दिया, रास्ता ठीक होगा। तो
हमारा जो ठाकुरनगर का एक ऐतिह्य है, हमारा कैंडिडेट प्रार्थी सुब्रत ठाकुर वो किसी को नहीं खिलाया और नहीं पैसा दिया, अर्थात वो जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग हम सारा ठाकुरनगर का आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पैसा बांट रहे हैं। हाँ, ये तो एकदम 100% अभी आपसे और बात करेंगे। टीएमसी का जो कैंडिडेट है इधर का, ये टीएमसी वाला ने खुद इधर बताया कि वो कुछ स्मगलर है, गोल्ड का स्मगलिंग करता है, इधर किधर से बहुत सारा गोल्ड चोरी करके लेके आया, चोरी करके उसका पैसा, बहुत सारा गोल्ड चोरी करके उसका बहुत सारा पैसा बनाया, वो पैसा से इधर इधर उधर खेला हो रहा है। ये जो खेला हो रहा है ये दीदी का खेला हो रहा है, ये गोल्ड चोरी का खेला हो रहा है। अभी वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो है धनेश गुहो, हमारे इधर का टीएमसी का मेन लीडर था, वो जब पार्टी ट्रांसफर किया, मतलब जो तृणमूल से बीजेपी में आया, उसी टाइम वो सबको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मतलब ये हम लोग नहीं बता रहे, ये पूरा दुनिया बता रहे, ये सबको मालूम है। आप क्या कहेंगे चाचा? हम क्या कहेंगे, उनको नया ताश सुना है। हम बस वोट देना है, हमारा घर में 4 वोट है और एक तो आने नहीं सकेगा, तो 4 वोट मिलेगा वो बीजेपी के ही मिलेगा। अच्छा, मतलब खुल कर यहाँ पर बीजेपी के लिए लहर है, और जो ठाकुर नगर इलाका जो ठाकुर नगर है, यहाँ कहा जा रहा है कि मतुआ समुदाय बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन अभी हमने माता से बात की, यहाँ जो ममता ठाकुर है उनसे, उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करेगा, क्या ये सत्य है? क्या ये तो हम बताए नहीं, तो हारा हुआ है, वो हम बीमारी वाला आदमी है, हम ही आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बस अपना घर चल जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? आप हम यही बोलना चाहते हैं, ममता वाला ठाकुर क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, उसका हमारा कोई मतलब नहीं। वो तो खुद भी पार्टी में नहीं है। वो तो खुद भी पार्टी में नहीं है, हरा हुआ पार्टी, और क्या करेगा। हम लोग जो बोलता है, यह का जनगण बहुत अच्छा इंसान है, और टीएमसी जिसको खिला रहा है खिला, वो खाएगा खा के उसका पर्सनल वोट किसको देगा वो उसके रिजल्ट का दिन पता चलेगा। आपका क्या नाम है? नहीं कुछ नहीं बोलिए। अच्छा, आपसे और सवाल करेंगे। बात यह है कि जो एरिया है ठाकुर नगर, यहाँ पे समस्याएं क्या हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समस्या तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इधर का आदमी लोग बहुत अच्छा है। आप दुनिया के कोई कोने में जाइए, देखिए एक ही रास्ता में, एक 8 का एक रोड में दो पार्टी एक साथ में मिसाइल नहीं, मतलब जो रैली है रैली नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा होता है, रैली कर सकता है। हाँ, एक पार्टी उधर से रैली कर रहा है, एक पार्टी इधर से रैली कर रहा है, इतना नजदीक से 8 का एक रास्ता से दो पार्टी एक साथ में रैली कर रहे हैं, ना किसी के साथ झगड़ा है ना किसी के साथ कुछ है। यहाँ बोलता है पार्टी पार्टी की जगह में, हम लोग की जगह में है, कोई लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इधर सब कुछ ठीक है। ये कुछ आदमी लोग जो है ये सिर्फ इधर से उधर। सबसे बड़ा बात है, दीदी पहले इसके कोई भी स्टेज में पहले चढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह तुम ये करो, अल्लाह तुम वो करो, अल्लाह तुम वो करो। क्या अभी अभी अल्लाह किधर गया? दीदी का अल्लाह किधर गया? अच्छा, दीदी का अल्लाह बंद हो गया। मैं आपको इसी पर एक सवाल है मेरा, जो ये हिंदू मुसलमान इस बार चरम पर देखने को मिल रहा है, मैं जहाँ भी गया देखा, क्या लगता है कि इस बार ठाकुर नगर में भी यही होगा क्या? नहीं, ठाकुर नगर में मुस्लिम कुछ नहीं है, नहीं है माँ, ठाकुर नगर मुस्लिम है ही नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ठाकुर नगर सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, यहाँ पे कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा जितना सारा है ये ममता दीदी करवाता है। ममता दीदी तो आरोप लगाती है कि बीजेपी वाला करवाता है, बीजेपी वाला। अब ये देखा, ये कौन सा बीजेपी वाला कौन सा मुस्लिम को मारा है? हमारे घर में भी मुसलमान लोग आता है, हम लोग भी उनके घर में जाते हैं। हमारा नज़दीक में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन दूर में है, लेकिन वो लोग हम लोग के साथ दोस्ती है। कौन ऐसा करता है? ये सब उल्टा सीधा भूल भाल समझाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर ये भैया, आपसे दो बात करेंगे। हम राजनीति नहीं करते। नहीं, राजनीति नहीं, आप क्या करते हैं ये तो बताइएगा। आप क्या करते हैं? राजनीति नहीं, आप क्या करते हो बताइएगा ना। हम नेता। चलिए, ये तो बात हुआ, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो आपने ममता के ऊपर कहा कि चोट लगा है, वो खुद से उनका लगा है, लेकिन बीजेपी, वो ममता कह रहे हैं बीजेपी का साजिश है, खैर ये सब बात हो गई। आप एक बार बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, कहा जा रहा है कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या युवाओं के साथ में है ना? वो तो है ही। अभी है क्या वो? अभी है ना,
अभी किसकी नौकरी है? इधर हमारा गांव में भी 3-4 आदमी बैठा हुआ है जिसको टेट दे के 14 में 9 में टेट दे के बैठे हुए हैं, वो लोग को नौकरी नहीं हो रहे हैं, वो जैसा है वैसा टांग के रखा है। जिसको नौकरी हुआ है वो पैसा से हुआ है, बाकी किसी को एग्जाम दे के नौकरी हुआ है? एग्जाम में कुछ रिजल्ट आता है? रिजल्ट उसका हाथ में है, जिसका पैसा गया उसका रिजल्ट में पास आया। ये आप बंगाल के लिए बता रहे हैं क्या? ये बंगाल के लिए बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पैसा दे के तब नौकरी मिलती है? बहुत सारा है ऐसा। अच्छा, लेकिन जो केंद्रीय नौकरी है उसमें रोजगार मिल रहा है क्या? मोदी सरकार जो कह रही है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप जो बोल रहे हैं बीजेपी का 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार मिला क्या आप लोगों को? देखिए हम तो सेंट्रल में नहीं जाते, हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आता, हमको ये बात पूछने से आपको हर्ज है, लेकिन इस स्टेट में तो जो भी कुछ है ममता इसका अपोजिट में है। जैसा क्या बोलता है आयुष्मान भारत आया, पोस्ट ऑफिस वाला को बोल दिया कि आप इसमें से एक भी कार्ड मतलब बिली होएगा तो पोस्ट ऑफिस बंद करवा देंगे। अच्छा। पोस्ट ऑफिस वाला बोला बैठो, बैठ गया वो वाला बोरा में बंद करके उसको फेंक दिया। अभी इतना सारा तो आयुष्मान हो गया, जितना सारा ये जो किसान निधि योजना है ये सब बंद, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या है? इधर आइए थोड़ा सा इधर आइए। नहीं अब तो बंगला बोलना, बंगला बोलिएगा, बंगला बोल। आप नहीं आप दुकान करते हैं ना? अरे पार्टी नहीं, पार्टी का नहीं बात करेंगे, आप जो दुकान आप सवाई वालों कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, आप नहीं बोलिए तो बोलने से भी खराब होगा। चलिए आप तो अपने रीजन में सीपीएम को भी देखे, सब कुछ देखे आपने, सीपीएम को देखा और टीएमसी को भी देखा, मतलब क्या दोनों एक तरह का लगा आपको या फिर दोनों में कुछ बदलाव दिखा आपको? देखिए एक तो हम बात बोलते हैं, हम बोलने की नहीं चाहते हैं, हमने दो लड़का है जो अभी होटल में नौकरी करता है, एमए पास करके बैठा हुआ है, तो इस ये लोग को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे, क्या मिलेगा हमको? गैस एक तो आज 1000 रुपया का अगल बगल हो गया, तो हम लोग को अगर नहीं मिलेगा हम लोग क्या खाएंगे? अभी पत्ता और डाली कुरा करके खाना बनवा रहे हैं, सिलेंडर दो है घर में लेकिन उतना पैसा नहीं है, उठा नहीं सकते है? गैस का जो दाम बढ़ाया है वो तो केंद्र सरकार ने बढ़ाया। केंद्र नहीं, ऊपर से अगर नहीं बढ़ाएगा तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र अपने हाथ से काट के दे देगा है? तो आप कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ी है, जो गैस का दाम बढ़ा है, उससे बहुत परेशानी है लोगों को, लेकिन आपने कहा कि आप वोट भी बीजेपी को ही देंगे, ऐसा आपने कहा।